गुड मॉर्निंग प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास फर्स्ट एनसीईआरटी मैथ्स मैथ्स का चैप्टर नंबर 3। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में एडिंग के बारे में उसमें देखा था, हमने देखा था कि जब दो चीजें एक साथ जुड़ती हैं तो वो ज्यादा हो जाती हैं। आज हम उसी एडिंग को कुछ वर्कशीट्स के थ्रू देखेंगे, तो आइए देखते हैं सबसे पहली वर्कशीट। सबसे पहली वर्कशीट है जिसके अंदर है काउंट एंड ऐड द फॉलोइंग। नीचे कुछ ड्राइंग्स बनाई गई हैं और उनके नंबर्स भी वहां पर लिखे हुए हैं। जैसे सबसे पहले लिखा है 3 और नीचे 3 ही बॉल्स बनी है, 1, 2 एंड 3। इसी तरीके से प्लस 2, तो जब उस 3 में 2 और प्लस हुए तो कितने हुए, 1, 2, 3। 3 से आगे काउंट करेंगे 4 एंड देन 5, तो हमारा टोटल हो गया 5। इसी तरीके से 2 बैलून्स है, 1, 2, जब उसमें एक और ऐड हुआ तो वो बन गए 3। नेक्स्ट, जब हमारे पास 4 फ्लावर्स में अगर हम 2 फ्लावर्स और ऐड करते हैं तो कितने बनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन 6, तो हमारे बने टोटल 6। आप चाहें तो इस वर्कशीट को एक तरीके से और भी यूज कर सकते हैं कि ऊपर आप यहाँ पर नंबर्स ना लिखे, आप सिर्फ पिक्चर्स ड्रॉ करें और बच्चा उसको काउंट करे और नंबर्स भी लिखे और देन फिर उसको ऐड करे। तो आप इसको 2 वे में भी यूज कर सकते हैं। एक वर्कशीट है जो आज हम थोड़ा सा प्ले वे मेथड से करेंगे। इसके अंदर मेरे पास जो है वो है एक, मैंने 2 डाइज ली हैं, ये आपको मेनली अपने घर में मिल जाएंगे। अगर आपके पास 2 ना हो तो आप सिंगल उससे भी कर सकते हैं। पहले मैं आपको दोनों से बता देती हूँ कि आपको कैसे इसको ऐड करना है। हम यहाँ पर जब फर्स्ट डाइस लेंगे तो हमें उस डाइस को डालना है। इस डाइस के ऊपर अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर अभी 5 पॉइंट्स आए हैं। मैं इस डाइस को फर्स्ट वाले बॉक्स में रख दूंगी। अब देन मैंने दूसरा डाइस लिया और इसको डाला। अब इस डाइस के अंदर अगर आप देख रहे हैं तो 2 आया है और मैंने यहाँ पर ये रख दिया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये हमने लूडो की डाइस ली, अगर आपके पास लूडो की ही गोटियाँ हो तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो कोई भी बीट्स या जो आप लेना चाहें, स्टार्स, स्माइली, वो ले सकते हैं। अब यहाँ 5 आए थे तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने ये 5 गोटियाँ काउंट करके रख दी, 1, 2, 3, 4 एंड 5। यहाँ पर आए थे 2, तो मैंने यहाँ पर 2 रख दी। अब हम इनको काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड देन 7, तो हम अपने यहाँ इस बॉक्स के अंदर 7 लिखते हैं। एक बार और करते हैं इसको। अब की बार जब मैंने डाइस को किया तो मेरे पास आया 3, मैंने फर्स्ट बॉक्स में रखा, और जब इस डाइस को किया तो मेरे पास आया 6, ये मैंने दूसरे बॉक्स में रखा। अब मैंने यहाँ पर लगाई को दिया 1, 2 एंड 3, और दूसरे बॉक्स में मैंने 6, 3, 4, 5 एंड देन 6, और अब हम इसे काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 9। तो आपने देखा जिस तरीके से हम लूडो खेलते हैं तो उस लूडो की डाइस से भी हम बच्चों को प्ले वे मेथड से एडिशन सिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यू लेकर आएंगे। गुड बाय।